हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर सारी टेक्निकल वीडियोस होती हैं, और आज मैं आपके साथ एक और टेक्निकल वीडियो शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आपको हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारा एक छोटा सा पेज चल रहा है, उसको भी लाइक करना होगा और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि आपके लिए नई से नई वीडियोज आ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है अपने एंड्रॉयड मोबाइल को चोरी होने के बाद कैसे ढूंढना। लोग ईएमआई नंबर के पीछे भागते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड पर आप जब जाते हो तो आपको एक जीमेल आईडी मिलती है। जब आप उस जीमेल आईडी को एक्सेस करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली सारा डाटा क्लाउड पर चला जाता है। जब आपका डाटा क्लाउड पर चला जाता है उसके बाद एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना मोबाइल ऑटोमेटिकली खुद एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके पीछे अगर आईटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हमें एक आईपी असाइन किया जाता है। जब हमें आईपी एक असाइन किया जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल को भी एक इंटरनेट राउटर के साथ कनेक्ट होता है तो उसको आईपी मिल जाता है। जबकि उसको आईपी मिलने के बाद आपका सारा डाटा क्लाउड पर चले जाता है, जिसकी वजह से गूगल जीमेल आईडीज आपको एक्सेस करती है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक काम आना चाहिए कि आपने अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड और उसका यूजर नेम आपको पता होना चाहिए, ताकि हम अपने मोबाइल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको बंद कर दें, एक्सेस कर दें और उसके बाद सारा डाटा निकाल लें, ताकि हमारा डाटा कोई गलत तौर पर यूज ना कर सके। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमें थम्स अप का साइन दे दें और जल्दी से जल्दी हो सके तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक्स यू हमें आगे सपोर्ट करने के लिए, और इंशाल्लाह इस चैनल पर नई से नई वीडियोस आएंगी। आप काइंडली विजिट करते रहें, देखते रहें। चलो फिर स्क्रीन पे चलिए, लैपटॉप पर आ गए हैं। और लैपटॉप पर हमने सबसे पहले, मैंने आपको यही बताया था कि हम एंड्रॉयड ये एंड्रॉयड क्या चीज़ है। एंड्रॉयड एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर सारे का सारा डाटा, आपका मैसेजेस तक, कॉल, हर चीज़ आपकी इस ये एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर सब कुछ आ जाती है। 32 बिट पे भी है, 64 बिट पे भी है, ये अब हर चीज़ पर डिपेंड करता है। हाँ, सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताना था कि हम अपना मोबाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल को एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, फाइंड माय फोन। फाइंड माय फोन पर क्लिक कर दिया तो सबसे पहले आप यही देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल इसके साथ कनेक्ट हुआ है, CAM L21 ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुआ है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल कहाँ पे है। ये आप ये भी देखें कि मैंने अपना इसके ऊपर जीमेल आईडी कनेक्ट की हुई है। कैसे की हुई है, अगर इसको हम यूट्यूब पे जाके देखें ना, यूट्यूब से देखें तो सबसे पहले हमें तो ये शो होता है कि आपने ये देखी है, ये हुमायूं बाबर के नाम से जीमेल आईडी बनी हुई, ये मेरा अपनी है जीमेल आईडी। और इसको मैं जीमेल आईडी मैंने इसके साथ कनेक्ट की हुई है ताकि हम ऑटोमेटिकली जीमेल एक्सेस भी कर सकते हैं। हमारा जीमेल अकाउंट भी होता है, जीमेल का अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। हम इधर क्या लिखते हैं, फाइंड माय फोन पर क्लिक करते हैं तो पहले ही मेरा मोबाइल आया हुआ आगे। चलो मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ। चलो यार ओपन हो, अच्छा इसको ओपन कर लिया, अब ये ओपन हो गया। अब ये मुझे बता रहे कि भाई आपने ये मोबाइल जो थे ना आपने एक्सेस किए हैं। अब मेरा मोबाइल है ये वाला, इसको मैं ज़रा एक्सेस करता हूँ, ये इसमें है क्या जी। ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली आपको बता रहा है कि हवावे, ये पाकिस्तान में, ये मैप भी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जूम इन हुआ है। और अब ये कनेक्टिंग कर रहा है कि आपका मोबाइल जो है ना वो कहाँ पे है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अभी भी अपने मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें ना तो ये आपको बता देगा कि आपका मोबाइल जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है या नहीं है, और कनेक्टिंग कितने टाइम की हुई है और कैसे टाइमिंग किस हिसाब साथ कनेक्ट है। और अभी ये कह रहा है कि आपका मोबाइल अभी कनेक्टेड नहीं है। मेरा मोबाइल तो कनेक्टेड ही है वाईफाई के साथ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं। लोकेशन ये ट्रेस कर तो रहा है, अब इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। हाँ ये देखे, ये चीज ये आ गया, ये ब्लू ये देखो ये आ गया। अब ये बता रहे कि भाई इस एरिया में ये अभी पाकिस्तान के अंदर, मोबाइल की चार्जिंग भी बता रहा है कि इसकी 40% चार्जिंग है पाकिस्तान के अंदर है। देख लो
मोबाइल की चार्जिंग और पाकिस्तान के अंदर ये बता रहा है हमने अपना मोबाइल कैसे, ये पांच, ये इधर लिखी हुई है प्ले रिंग, प्ले साउंड, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपका मोबाइल जो बजने शुरू हो जाएगा। जरा देखें, साथ ही उसने लिखा हुआ है ये कि आप रिकवरी मैसेज क्या दे सकते हैं, यहाँ पे अपने मोबाइल को सिक्योर करने के लिए यहाँ से आपका मोबाइल हो जाएगा बंद, उसके ऊपर आपका रिकवरी मैसेज हो जाएगा ये मोबाइल मेरा है, MOBAL मोबाइल मेरा है, देखो ये मोबाइल मेरा है, हमने इसके ऊपर लिख दिया। अब इसके ऊपर इंटर करेंगे ना जब अपना नंबर लिख के, तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा और ऊपर लिखा आ जाएगा ये मोबाइल मेरा है और उस एड्रेस पे आ जाएगा। इरेज दैट चीज, क्या बात है, हर चीज उन्होंने दी हुई है कि भाई आपने हर चीज इरेज मार सकते हो, डिवाइस हैज बीन इरेज्ड। अब EMI नंबर को तो आप गुड बाय कह दें तो ये बेहतर है, इससे अच्छा आप एंड्रॉयड मोबाइल ही ले लो तो बेहतर है। एंड्रॉयड का झटका धीरे से लगा, तो जाते जाते मैं आपको ये कहूंगा कि आप हो सके तो एंड्रॉयड मोबाइल पे आ जाएं, छोटे मोबाइल छोड़ दें।